क्या भूत सच में होते हैं? क्या आत्माएं हमारे आसपास घूमती हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जो इन बातों को सच साबित कर देंगी। तो मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है मेरे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है गौरव कटारे एक्स्ट्रा। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूतों की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि कैमरे में कैद हो गई और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो शुरू करते हैं रियल घोस्ट का सेकेंड पार्ट। सबसे पहली घटना है ओसाका जापान की, जहां पर दो लोग रात में अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर लौट रहे थे। सेफ्टी के लिए उन लोगों ने कार के सामने लगा हुआ कैमरा ऑन कर रखा था। रास्ते में उन्हें कोई खड़ा दिखाई देता है। इतनी रात में और बर्फीले तूफान के बीच किसी को खड़ा देखकर वो लोग अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। ये साया धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास आने लगता है और एकदम से उनकी कांच की स्क्रीन पर उन्हें ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं यार, ऐसा कुछ अगर हमारे साथ हो जाए तो कसम से कलेजा हलक से बाहर आ जाएगा। ये जो औरत आपको कांच पर दिखाई दे रही है, ये एक जापानी अर्बन लीजेंड है। लोग इसको स्प्लिट माउथेड वुमन भी बुलाते हैं और इसका नाम है कुचिसाके ओना। कई साल पहले इसका आतंक जापान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था, क्योंकि ये औरत छोटे छोटे बच्चों को अकेले में अपना शिकार बनाती थी। इस औरत का चेहरा आगे से कटा हुआ है। ये राह चलते हुए अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। कुचिसाके ओना जब भी किसी के सामने आती थी तो उसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा रहता था, जिसकी वजह से सामने वाले को उसका बीभत्स और डरावना रूप दिखाई नहीं देता था। और फिर वो सामने वाले से ये सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर उसने जवाब में कहा नहीं तो कुचिसाके ओना उसको वहीं मार डालती थी, और अगर सामने वाले ने जवाब में कहा हाँ तुम सुंदर हो तो वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाती थी। कपड़ा हटाने के बाद वो ये सवाल फिर पूछती थी, अगर सामने वाले ने जवाब दिया नहीं तो उसका मरना निश्चित है, और अगर उसने जवाब दिया हाँ तुम अभी भी सुंदर दिखती हो तो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंची से बिल्कुल जैसे उसका मुंह कटा हुआ है सामने वाले का मुंह भी वैसे ही काट देती थी। तो इसका मतलब ये है कि कुचिसाके ओना के सामने आने के बाद आप कुछ भी जवाब देंगे लेकिन मौत आपकी तय है। जापान में एक समय में इसने 100 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था, और उसी की वजह से जापान ने रात में पुलिस पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी ताकि इस तरह की घटनाएं फिर ना हों। भूतों और प्रेतात्माओं के देखे जाने की घटनाएं केवल जापान में या दूसरे देशों में ही नहीं होती, ये घटनाएँ भारत में भी होती हैं। तो अगली वीडियो है केरल की, जो कि CCTV फुटेज है सन 2001 की। इस CCTV फुटेज में जिस लड़के को दिखाया गया है उसको नींद में चलने की बीमारी थी और उस पर नज़र रखने के लिए उसके कमरे में एक CCTV लगाया गया था, और एक रात CCTV की फुटेज में जो कैद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। एक आत्मा उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये बात कैमरे में साफ साफ दिखाई देती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और इसकी चेकिंग करने के बाद ये पता चला कि इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई थी। ये घटना है जोसेफ की, जो कि एक यूट्यूबर हैं। जब ये अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तब से उनके साथ कई पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थीं, जैसे कि लाइट्स का अपने आप जल जाना, दरवाज़ों का अपने आप बंद हो जाना, और बहुत सारी घटनाओं को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है। रात को उनकी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था, लाइट अपने आप बंद हो जाती थी या चालू हो जाती थी, और यहाँ तक कि उनके घर का नल भी अपने आप चालू हो जाता था रात के ठीक 3 बजे के बाद। इस बात से घबराए हुए जोसेफ ने फैसला लिया कि वो रात भर के लिए कैमरा अपनी बाथरूम में रख देंगे, और कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसमें ये साफ दिख रहा है कि बाथरूम में कोई भी नहीं है, नल अपने आप चालू हो जाता है और दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो जाता है। इन सारी घटनाओं से परेशान होकर जोसेफ ने उस अपार्टमेंट को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन करीब 2 साल तक उसी अपार्टमेंट में रहकर जोसेफ ने ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, और वो सारी घटनाएं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाली हैं,
और आखिरी वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पर डाला था उसमें उन्होंने ये कहा कि फाइनली मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया है क्योंकि घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं और अब उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। खैर, वो अपार्टमेंट छोड़ देने के बाद जोसेफ के साथ फिर कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इसका मतलब तो ये है कि जिस अपार्टमेंट में जोसेफ रहता था वो अपार्टमेंट हॉन्टेड था। और हमारी अगली घटना का आप सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि वो घटना मेरे साथ घटी थी आज से 8 साल पहले। मैं ऑफिस के काम से उत्तराखंड गया था और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है द्वारा। वहाँ पर मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रुका था। वहाँ पर मेरे मौसा जी का घर था जो कि गाँव से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में बना हुआ था। उस घर के चारों तरफ खेत थे जो कि उन्हीं के थे, वो पेशे से किसान थे। जब उनको पता चला कि मैं उत्तराखंड आया हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि होटल में रुकने के बजाय तुम हम लोगों के साथ रुक जाओ। मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर गया था, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता था। पहले तो मेरा मन वहाँ पर रुकने का नहीं था क्योंकि मैं होटल में रुकना चाहता था क्योंकि गाँव में लाइट ना रहने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पर मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं मौसा जी से मिले हुए, तो मैंने उनकी बात को नहीं टाला। हम लोग दोपहर के 3 बजे उनके घर पहुंच गए थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात के करीब 9 बजे हम लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। वो घर एकदम टिपिकल गांव का घर था जहां पर एक बहुत बड़ा आंगन था और चारों तरफ दीवारें थीं। बीच में एक नीम का पेड़ था और सब लोग उसी पेड़ के नीचे बिस्तर लगाकर सोते थे। करीब 8 खटियाँ बिछी हुई थी और सब लोग उस पर सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे दादी को कुछ हो गया, उनकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगीं। वो अपनी ही खटिया पर बैठकर बहुत ही अजीब हरकतें करने लगीं और उन आवाज़ों से मेरी भी नींद खुल गई। जब मैंने देखा तो पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग उनको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की बातें बोल रहे थे। मौसा जी ने उनका हाथ पकड़ रखा था बट वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो दृश्य देखने के बाद मेरे पसीने छूट गए। गांव में लाइट ना रहने की समस्या थी तो रात में वहाँ लाइट नहीं थी, केवल 2 लालटेन की रोशनी थी और जहाँ पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दादी की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी और स्थिति लोगों के कंट्रोल से बाहर थी। उन लोगों ने तुरंत गाँव के तांत्रिक को बुलाया। हम लोगों को कहा गया कि हम घर के अंदर सो जाएँ और हमारे बिस्तर के चारों तरफ लाल धागा बांध दिया गया कि अगर इस घर में कोई आत्मा है तो वो हम पर हमला ना कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मेरे दोस्त के तो बिल्कुल पसीने ही छूट चुके थे। हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। रात के 3:30 बजे मेरे कमरे का जो दरवाज़ा था जिसके अंदर हम लोग सो रहे थे वो अपने आप बंद होने लगा, तो मैंने बाहर आवाज़ लगाई। मौसा जी आए और उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं इस दरवाज़े के इधर एक बड़ा सा पत्थर लगा देता हूँ ताकि ये अपने आप बंद ना हो पाए और तुम लोग भी जागते रहो जब तक कि सुबह ना हो जाए। और सुबह 4 बजे हम लोगों की कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, दादी भी ठीक हो चुकी थी और तांत्रिक ने यह बताया कि किसी व्यक्ति ने दिन में आकर उनके बिस्तर में तकिए के नीचे एक तावीज़ रख दी थी और रात में ये जो घटनाएँ हुई वो उसी तावीज़ की वजह से थी। वैसे तो मैं अंधविश्वास पर, जादू टोने पर और इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात मैंने जो नज़ारा देखा वो देखने के बाद मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। खैर, हमने उसी दोपहर वो घर छोड़ दिया और होटल में जाकर रुक गए। खैर, ये तो थी वो घटना जो मेरे साथ घटी थी। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में क्या है। इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई ये काली परछाई किसी आत्मा की तरह दिखाई दे रही है और ये वहाँ पर मौजूद किसी आदमी को दिखाई नहीं दी क्योंकि उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये परछाई कैमरे में कैद हो गई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भूत होते हैं या ये आत्माएं हमारे आसपास भटकती हैं? खैर, इन सवालों के जवाब तो आज भी राज हैं, बट आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और इसी तरीके के मज़ेदार और मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गौरव कटारे एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।